वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तस्खीर। तो मैं एक वीडियो देखने वाला हूं, हामिद मीर का इंटरव्यू, जो वो भी आज जर्नलिस्ट हैं आई थिंक पाकिस्तान के, तो उनका इंटरव्यू है इंडियन टीवी चैनल पर, इंडियन टीवी न्यूज़ चैनल। तो इसमें कुछ टाइटल मुझे हिंदी में दिख रहा है, जंजीरों में घिरा पाकिस्तान, अपने लिखे से पलटे इमरान खान। टाइटल अट्रैक्टिव है आई थिंक काफ़ी ज़्यादा, लेकिन हामिद मीर का इंटरव्यू देखना चाहूँगा मैं, इसमें क्या है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट द वीडियो नाउ। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है हामिद मीर साहब आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। पत्रकार, आपसे सबसे पहले शुरुआत में इस सवाल के साथ करना चाहूंगी कि अफगानिस्तान में जो हालात हैं उसकी वजह से पाकिस्तान में हम एक खुशी का माहौल देख रहे हैं, सरकार में भी, आपके मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में भी, ऐसे तीखे सवाल तो पूछे जाएंगे, बहुत देर तक लास्ट करने वाली है इंडिया और पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान में दो तरह के लोग हैं, जैसा कि हिंदुस्तान में भी दो तरह के लोग हैं। तो पाकिस्तान में एक तरह के वो लोग हैं जो कि तालिबान की जो विक्ट्री है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उसमें से ज़्यादातर जो है वो रिलीजियस पार्टीज़ हैं जिन्होंने उनको मुबारकबाद दी है। लेकिन दूसरी तरफ जो है कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मेजॉरिटी में हैं कि जो इस सूरत हाल पर बड़ा उनका एक केयरफुल रवैया उन्होंने अख्तियार किया। आप देखिए, जो हमारी मेन अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनकी तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया गया जिसमें खुशी का इजहार हो। हाँ, अलबत्ता कुछ हुकूमत की मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने ऐसे स्टेटमेंट्स दिए, ऐसे ट्वीट्स किए जिससे ऐसे लग रहा था कि वो बड़े खुश हैं। लेकिन आप ये देखिए कि कल हुआ क्या, कि कल काबुल के करीब जो पुलचरखी जेल है, जब वो पुलचरखी जेल उन्होंने तोड़ी है तालिबान ने, तो उस जेल से जो लोग भागे हैं, जो लोग इस्केप कर गए, उनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं और यहाँ पर वांटेड हैं, जैसा कि उसमें मौलवी फकीर मोहम्मद भी शामिल थे। तो इसमें ज़्यादा मेरे ख्याल खुशी की बात नहीं है अक्सर पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि जो निज़ाम तालिबान अफगानिस्तान में लाना चाहते हैं, जो सिस्टम वो वहाँ पर लाना चाहते हैं, वो सिस्टम जो है वो अक्सर पाकिस्तानी जो हैं, मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी, वो उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। हामिद मीर साहब, लेकिन क्या इसको ऐसे समझा जा सकता है कि फिलहाल जो पाकिस्तान में सरकार है, जो एस्टैब्लिशमेंट है इस वक्त आपका, जो आपका मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, वो इससे खुश है क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें सफलता मिली है, वो जो कोशिश कर रहे थे बैकडोर के जरिए, जो समर्थन दे रहे थे तालिबान को, उसको उसकी सफलता है, तो क्या वो उसे उस तरह से देख रहे हैं और उसे अपनी सफलता मान रहे हैं? देखिए सुमेरा खान साहिबा, ये कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों में जब सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएगी तो फिर आप लोग मुझसे कुछ और तरह के सवालात करेंगे। देखिए, अफगान तालिबान जो हैं ये सिर्फ अब एक जंगजू फोर्स नहीं है, एक फाइटिंग फोर्स नहीं है, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिप्लोमेसी किया है, इन्होंने पूरी दुनिया को डिसीव किया है। जिस तरीके से इन्होंने दो तीन दिन में काबुल पर कब्जा किया है, तो ये जो दोहा एग्रीमेंट पिछले साल साइन किया था अमरीका ने और अफगान तालिबान ने, तो वो दोहा एग्रीमेंट तो ख़त्म हो गया, जिसके लिए फैसिलिटेटर का किरदार अदा किया था पाकिस्तान ने। तो अफगान तालिबान जो है उनका बैक चैनल से अगर पाकिस्तान से रابطہ है, तो आपको थोड़े दिनों में पता चलेगा कि उनका इंडिया के साथ भी रابطہ है। और अभी कल ही मेरी बात हो रही थी दोहा में कुछ अफगान तालिबान की लीडरशिप से, उन्होंने कहा कि हमने इंडियन सरकार को ये मैसेज भेजा कि आप बिल्कुल घबराने की बात कोई ज़रूरत नहीं है, अपने डिप्लोमेट्स को भी यहाँ से मत भेजें, और जो आपकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है उसका हमें पता है, हमारी आपके साथ कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन एक परसेप्शन ये है कि इंडिया में कि अगर तालिबान का कब्जा हो गया है काबुल पर, तो शायद इससे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। पाकिस्तान की सरकार में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुशी का इजहार किया है, लेकिन ओवरऑल लोग परेशान हैं, इसलिए कि आप देखें कि जो नॉन पश्तून लीडरशिप है अफगानिस्तान की, 8-9 मेन लीडर जो हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद में है, और वो पाकिस्तान की सरकार से ये कह रहे हैं कि जो आपने दोहा में एग्रीमेंट किया था पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाइए और तालिबान को फोर्स कीजिए कि तमाम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, तमाम जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उनको अपने साथ लेके चलें। तो ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान पे तालिबान का झंडा लग जाएगा और सारा कुछ तालिबान के ही कंट्रोल में होगा। तालिबान ने एक इसको कहते हैं ना, अफगानिस्तान को कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, तो ग्रेवयार्ड पर हुकूमत करने का फायदा नहीं है, इस ग्रेवयार्ड को
एक पैराडाइज बनाने की जरूरत है। लेकिन हामिद मीर साहब की अभी जैसे आप बता भी रहे हैं कि नॉन पश्तून लीडरशिप इस्लामाबाद में बैठी है और वो कह रही है पाकिस्तान को, और जाहिर सी बात है पाकिस्तान पर अब इंटरनेशनल प्रेशर भी आएगा, अमेरिका की तरफ से भी ये प्रेशर आएगा कि आप तालिबान से बात करें, वहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन ना हो, वहाँ पर महिलाओं के अधिकारों को संरक्षित किया जाए, वहाँ पर माइनॉरिटीज़ के साथ इंसाफ किया जाए, ये सब प्रेशर पाकिस्तान पर आएगा। तो पाकिस्तान के लिए तो वो एक बहुत ही मुश्किल दोधारी तलवार होने वाली है जिस पर उसको चलना होगा, कि आपको ऐसा लगता है? और पाकिस्तान क्या इतना इन्फ्लुएंस अभी रखता है तालिबान पर कि वो इन पर ये प्रेशर डाल पाए कि ये सब करें? ये बहुत सही सवाल है, ये आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया, मेरे अंदर भी क्वेश्चन था ये। कवर कर लिया है कि पाकिस्तान को बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना है और तालिबान पर अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करना है। एक चीज़ आप भूल गई और वो ये है कि अगर अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आती तो लाखों की तादाद में अफगान जो हैं वो रिफ्यूजी बन के पाकिस्तान की तरफ आएंगे। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान ने तो अपना बॉर्डर मुकम्मल तौर पर सील किया हुआ है, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है, हमारा बॉर्डर बोल चुका है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत बड़ी तादाद में जो अफगान रिफ्यूजीज हैं वो पाकिस्तान की तरफ भी आएंगे। लेकिन एक और बात है, वो ये है कि आप लोगों को ये समझने की जरूरत है कि जो अशरफ गनी साहब हैं ये जो भाग गए और अब इसका ना तो कोई जिम्मेदारी ले रहा है अमरीका, ना ही पाकिस्तान, ना ही कोई और, तो अशरफ गनी साहब के बारे में भी एक इम्प्रेशन ये है इंडिया में कि ये इंडिया के बड़े अच्छे दोस्त थे। लेकिन इंडियंस को ये पता होना चाहिए कि अशरफ गनी को 2014 में इम्पोज अफगानिस्तान पे अमरीका और पाकिस्तान ने मिलकर किया था, और ये वो अशरफ गनी है जिसको 2014 में पाकिस्तान की आर्मी के हेडक्वार्टर में रावलपिंडी, जिसको हम GHQ कहते हैं, वहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। 2019 में ये दोबारा सदर बने, इमरान खान साहब ने इनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया। तो अब अगर वो भाग गए हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ तालिबान की कामयाबी नहीं है, ये पाकिस्तान की और अमेरिका की और इंडिया की और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी की नाकामी है। क्योंकि अशरफ गनी वाज आल्सो अ स्टेक होल्डर, जो पिछले साल दोहा में एग्रीमेंट हुआ था उसमें अशरफ गनी भी एक स्टेक होल्डर थे, और अशरफ गनी ने अभी तक रिजाइन नहीं किया, वो सीन से हट गए हैं, तो इसलिए अभी मुझे लगता है कि वो इररेलेवेंट नहीं हुए, और पाकिस्तान को एक आने वाले वक्त में अशरफ गनी को भी इंगेज करना पड़ेगा। लेकिन क्या मैं इसे अगर बहुत सीधे शब्दों में आपसे समझना चाहूँ, पाकिस्तान का कितना इन्फ्लुएंस है तालिबान पर अभी इस वक्त, जो तालिबान काबिज हुआ है काबुल पर, उस पर कितना इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान का? मैं क्विकली आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ कि जब 96, 97, 98, 99 ये जो 4-5 साल थे जब अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत थी, तो दो इश्यूज पर अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की बात नहीं सुनी। एक, जब बामियान में बुद्धा के जो स्टैचूज थे तालिबान ने उनको तोड़ने का ऐलान किया, पाकिस्तान ने कहा मत तोड़ो, उन्होंने पाकिस्तान की बात नहीं सुनी, उन्होंने तोड़ दिए। फिर जब 9/11 हो गया, पाकिस्तान ने तालिबान से कहा कि उसामा बिन लादन को हमारे हवाले कर दो, सऊदी अरब के हवाले कर दो, बेशक अमरीका के हवाले ना करो, तालिबान ने पाकिस्तान की बात नहीं सुनी। और इस मरतबा ये जो पिछले 4-5 साल हुए हैं गुजरे हैं, इसमें ये बात आप याद रखें कि जो तालिबान की जो नेगोशिएटिंग टीम थी उसके जो हेड थे मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर, उन्होंने 9 साल पाकिस्तान की जेल में गुजारे हैं, 9 साल पाकिस्तान। तो मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर जो है वो प्राइवेटली ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ दोस्ती रखना चाहते हैं। जैसे जैसे अफगानिस्तान में तालिबान के कदम मजबूत होते जाएंगे, उनके कदम जमते जाएंगे, तो वैसे वैसे अफगानिस्तान के तालिबान पर पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस कम से कम होता जाएगा, जिस पर पे यहाँ पर काफी परेशानी है। तो अब क्या इसे हामिद मीर साहब इस तरह से समझा जा सकता है कि आपने खुद भी इसके बारे में लिखा है, इसके बारे में हुसैन हक्कानी लिख रहे हैं अपने आर्टिकल में, कि जो मदद अब तक पाकिस्तान देता रहा तालिबान को और उनको मजबूत करता रहा, वो दरअसल पाकिस्तान के लिए ही सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला है आने वाले समय में? देखें, सिर्फ पाकिस्तान ने तालिबान की मदद नहीं की है, तालिबान की मदद तो इब्तदा में शुरू में अमेरिका ने की थी, और तालिबान के डेलीगेशन अमेरिका के दौरों पर भी जाते थे, ये सारी एक ऑयल वॉर का सारा शाखसाना था। तो अमेरिका ने भी मदद की, पाकिस्तान ने भी मदद की, सऊदी अरब ने भी मदद की, UAE ने भी मदद की, लेकिन फिर गुजरते वक्त के साथ पहले अमेरिका उनके खिलाफ हुआ, फिर सऊदी अरब और UAE खिलाफ हो गया, सिचुएशन ऐसी पाकिस्तान जो है वो कंफ्यूजिंग एक उसकी पॉलिसी है तालिबान के। देखें, जो पाकिस्तान में तालिबान के एम्बेसडर थे मुल्ला अब्दुस्सलाम ज़ईफ, जिनको पाकिस्तान ने गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले, उन्होंने अपनी किताब में जो लिख दिया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के बारे में, उसके बाद किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान ने यकीनन तालिबान को इस्तेमाल किया, क्योंकि पाकिस्तान का ख्याल था कि जब तक तालिबान की हुकूमत थी अफगानिस्तान में तो वहाँ पर इंडिया का इतना इन्फ्लुएंस नहीं था, और जब तालिबान की हुकूमत ख़त्म हो गई वहाँ पर इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ गया,
पाकिस्तान की सरकार जो है वो इल्ज़ाम लगाती है कि वहाँ पे इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ 66 के करीब टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप भी कायम किए थे। लेकिन अब जब तालिबान वापस आ गए हैं अफगानिस्तान में, तो अब तालिबान भी उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, जेलों से निकाल के रहा कर रहे हैं जो पाकिस्तान में वांटेड है। तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात। मनवीर साहब ये कह रहे हैं आपके प्रधानमंत्री की गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। मेरा खान साहब अगर आप इंडियन चैनल पर ना होती तो मैं बड़ा करारा जवाब देता, लेकिन मसला ये है जब कोई पाकिस्तानी किसी इंडियन चैनल पर कोई ऐसी बात करे जो पाकिस्तान के किसी प्रधानमंत्री के या किसी और पावरफुल आदमी के खिलाफ हो तो फौरन कह दिया जाता है कि देखिए ये इंडियन चैनल पर बैठ के ये बात कर रहे थे। लेकिन आपने जो स्टेटमेंट सुनवाई है, मैंने इस स्टेटमेंट का रेफरेंस आज अपना मेरा जो कॉलम वॉशिंगटन पोस्ट में शाया हुआ है मैंने उसमें इसका जिक्र किया है। लेकिन मैंने इमरान खान साहब को याद दिलाया है कि कुछ ही हफ्ते पहले जून 2021 में इमरान खान साहब ने वॉशिंगटन पोस्ट में एक कॉलम लिखा था और उस कॉलम में उन्होंने वाज़ह तौर पे लिखा था कि अफगान तालिबान को अपनी मिलिट्री फोर्स के ज़रिए काबुल पर कब्ज़ा नहीं करना चाहिए और जो अमेरिका का इंटरेस्ट है वही पाकिस्तान का इंटरेस्ट है। तो कुछ हफ्ते पहले तक तो इमरान खान साहब जो है वो वॉशिंगटन पोस्ट में ये लिख रहे थे कि अफगान तालिबान को काबुल को ताकत के ज़ोर पर टेक ओवर नहीं करना चाहिए। अब वो कह रहे हैं गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। तो मैं इंतहाई मुख्तात अल्फाज में केयरफुली सिर्फ ये कहूँगा कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इमरान खान की एक कन्फ्यूज्ड पॉलिसी है। कुछ हफ्ते पहले वो कह रहे थे कि तालिबान अपनी मिलिट्री ताकत के ज़रिए काबुल पे कब्ज़ा ना करें, अब वो कह रहे हैं गुलामी की जंजीरें हैं। अगर आप इससे भी पीछे जाएं तो वो अपनी जो ऑटोबायोग्राफी उन्होंने अंग्रेज़ी में लिखी थी जो इंग्लैंड से शाया हुई थी 2011-12 में, उसमें उन्होंने कहा था कि अमरीका तालिबान से निकल जाए, अमरीका अफगानिस्तान से निकल जाए, और वो लिख रहे थे कि अमरीका जो है वो एक इंपीरियलिस्ट पाकिस्तान पे कब्जा किया हुआ है, इसको निकालो यहाँ से। उस वक्त उन्होंने ये लिखा। जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए तो फिर उन्होंने कहा तालिबान अमेरिका को कि फौरी तौर पे अफगानिस्तान से मत निकलो, अगर तुम फौरी तौर पे निकल गए तो सिविल वॉर हो जाएगी। मैं उन चंद लोगों में शामिल था जो 2-3 साल से ये कह रहे थे कि ये जो अफगान तालिबान हैं ये अल्टीमेटली पाकिस्तान की बात नहीं सुनेंगे, और अब वाकई वो बहुत से मामलों पर पाकिस्तान की बात नहीं सुन रहे। लेकिन जो बात पहले मैं कह रहा था उसको उस वक्त भी बहुत कम लोग सुनते थे, अभी भी बहुत कम लोग सुनेंगे, क्योंकि आप भी और आपके बहुत से जो देखने वाले वो यही समझेंगे कि तालिबान जो है वो दरअसल पाकिस्तान की प्रॉक्सी है। तो इसलिए पाकिस्तान जो है वो इस वक्त एक बड़ी मुश्किल सूरतेहाल में फंसा हुआ है। एक तरफ सारी दुनिया जो है वो तालिबान जो भी अफगानिस्तान में गलत काम करेंगे उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे डालेंगे, पाकिस्तान और तालिबान के ताल्लुकात भी ख़राब हो रहे हैं, और तीसरी तरफ पाकिस्तान के और अमरीका के ताल्लुकात को भी बहुत से चैलेंजेस का सामना है। इस वक्त इम्तिहान सिर्फ तालिबान का नहीं है, इम्तिहान पाकिस्तान का भी है। कहा कि अब तालिबान फाइटर्स का जो अगला निशाना होगा वो पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर अड्डे हैं वो उनका अगला निशाना हो सकते हैं, तो पाकिस्तान के लिए ये कितनी मुश्किल स्थिति है। साथ ही ड्यूरेंड लाइन को तालिबान नहीं मानता रहा है, पहले हम जानते हैं इतिहास में ये हो चुका है, तो अब क्या ये जो अगला निशाना जो कह रहे हैं ब्रिटिश कमांडर की पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स तालिबान फाइटर्स के अगला निशाना होंगे, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? देखिए पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स का कभी ना इसराइल को पता चला, ना इंडियन इंटेलिजेंस को पता चल सका, ना ही अमेरिकन उसका सुराग लगा सके, ना ही ब्रिटिश उसका सुराग लगा सके, तो तालिबान उसका सुराग कैसे लगा सकेंगे? तो ये बात मैं आपको कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो बहुत सेफ़ हैं। तो अगर वो पाकिस्तान के ट्राइबल बेल्ट को जो कि अब हमारा जो खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है उसका हिस्सा बन चुके हैं, तो अगर पाकिस्तानी तालिबान ये कहते हैं कि हम इसको एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएंगे तो इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। तो पाकिस्तान के लिए बहुत से चैलेंजेस बढ़ेंगे, और अभी भी जो हमारा ट्राइबल बेल्ट है वहाँ पर उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ गया है, वहाँ पर टारगेट किलिंग भी हो रही है। भारत वर्ष पर था इंटरव्यू हामिद मीर का सुमेरा के साथ इंडियन टीवी चैनल पर, तो बहुत ही चीज़ें इन्होंने बताई हैं, जर्नलिस्ट हैं, सीनियर हैं पुराने, तो काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी इनकी रिसर्च होगी जो इन्होंने कर रखी होगी। कुछ चीज़ें इन्होंने पॉइंट आउट की हैं जैसे कि तालिबान जो है अब किसी की नहीं सुन रहा है, पहले की बात और थी लेकिन अब जो है पाकिस्तान जो सपोर्ट दे रहा था अब पाकिस्तान की भी नहीं चल रही है उतनी। बहुत सारी सिचुएशंस को बताया इन्होंने हामिद मीर ने कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट या इमरान खान की जो स्टेटमेंट आते रहे हैं कुछ कुछ महीने बाद, इससे पहले के स्टेटमेंट उन्होंने कुछ और दिए थे कि कब्ज़ा जो है
फोर्सफुली नहीं करना चाहिए, लेकिन अब कब्ज़ा हो गया है तो अब जो बोल रहे हैं कि आज़ाद हो गया, तो वो दो तरह के स्टेटमेंट, कन्फ्यूजन वाले स्टेटमेंट्स की बात की इन्होंने, जिक्र किया, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। आप कमेंट कर बताइए आपका इस पूरे सिनेरियो में, पूरी चीज़ के बारे में आपका क्या कहना है, आगे क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए, आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। बस गाइस, इस वीडियो में इतना ही, लाइक करके शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।